से तबाही जारी है। जिले के डुमरियागंज तहसील में बाढ़ से प्रभावित लोगों का बुरा हाल है। तहसील क्षेत्र के देवरिया, चमन, वीरपुर, बडहरा, चिताही, डिबली डी समेत 50 से अधिक गांवों में बाढ़ का पानी घुसने से लोगों का जीना मुहाल है। वहीं लोगों का कहना है कि उनका हाल जानने के लिए शासन व प्रशासन की तरफ से अब तक कोई नहीं आया है। दिक्कत यह है कि तेनुई नेहतुआ चंदन जो वहाँ यह दिक्कत है कि गांव के सारे आदमी गांव छोड़ करके बंधे पे चले गए हैं और बंधे पे उनको ना तो खाना मिल पा रहा है, ना दवा की सुविधा है, ना शौचालय की व्यवस्था है और ना अभी तक कोई नाई आई है। एक नाई आई है जो कि देवरिया, चमन, तरहर, बियो, असनहरा, राउडीला उधर सब कवर कर रही है। यहाँ के सारे आदमी बंधा तक जाने तक के समझ लीजिए कि गला तक का पानी हुआ है। सारे आदमी परेशान है, यहाँ शासन प्रशासन कोई नहीं भी आया। प्राकृतिक आपदा में प्रशासन हो, शासन हो या जनप्रतिनिधि हो, सब बेबस हो जाते हैं, लेकिन प्रशासन पूरी सक्रियता के साथ जितना भी जहां भी पहुंचा जा सकता है वो सहयोग करने के लिए लगा हुआ है। और हमारे सारे पांचों विधायक जितने भी हैं, जनप्रतिनिधि, सांसद सहित सारे लोग भी अपने अपने क्षेत्रों में, ऐसा कभी नहीं आपने सुना होगा कि इतना मुस्तैदी से कभी जनप्रतिनिधि क्षेत्र में सुबह से लेकर रात तक घूमता होगा। कुछ चीजें ऐसी हैं जो इस प्राकृतिक आपदा में, इतने भीषण बाढ़ में, जो ऐसी बाढ़ बताते हैं लोग कि 60 साल 70 साल के लोग कह रहे हैं ऐसी बाढ़ कभी नहीं आई थी, कुछ सहयोग चाह करके भी नहीं संभव हो पाता, हम लोग भी चाह करके भी नहीं संभव कर पा रहे हैं। आज देखिए आप, दवा का वितरण यहाँ हो रहा है, प्राइवेट चिकित्सक भी आगे आ रहे हैं, सरकारी सुविधा अभी हमने प्रारंभ नहीं कराया है, प्राइवेट आगे आ रहे हैं। ये बाढ़ खत्म होगी उसके बाद असली आवश्यकता महामारी की फैलेगी जब धूप होगा।